हाय, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार, आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें बात करेंगे लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेड लेने से लेकर स्टॉप लॉस लगाने तक की या प्रॉफिट बुक करने तक का पूरा विश्लेषण इस वीडियो में बताया गया है। और फ्रेंड्स, ये लाइव ट्रेड का वीडियो है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। कोई भी आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा इसमें विश्लेषण, मैं लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ और वहां पे फ्रेंड्स आपको बताया गया। इस वीडियो में ना तो मैं कोई फास्ट किया हूं, ना मैं वीडियो को स्लो करने की कोशिश किया हूं, ना मैं ऑडियो बाद में जोड़ा हूं। मैं जो भी बोला हूं, मैं जो भी किया हूं, वो लाइव मार्केट में ही किया हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन चाहूंगा कि आप जो है एयरफोन के साथ ही इस वीडियो को देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, या आप थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि साउंड कम होगा, मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते जाइएगा, और जहाँ भी कोई डाउट आता है कमेंट में लिखिएगा, और आपका वीडियो कैसा लगता है उसको तो जरूर ही लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। हाय फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी लाइव मार्केट चल रहा है और यहाँ पे देखिएगा TCS का अभी आज पिट रहा है। बट यहाँ पे हम लोग क्या किए कि हम लोग यहाँ पे बाई किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इस तरीका से मार्केट गिर रहा हो, और हमको पता है कि जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किया है, जो हमने ये जो 1213 जो 13 रुपये का आपको जो मैंने आपको दिखाया है, तो इस पे आज क्या होने वाला है इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो ये अभी इसको मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए लाइव मार्केट चल रहा है, इसमें आपको ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। ये लाइव मार्केट चल रहा है और लाइव मार्केट में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव मार्केट चल रहा है और यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना है, यानी कि जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है उसको अभी ये नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो है, देखिएगा हम लोग को क्या किया है कि मैं अपना ग्रुप में जो है यहाँ पे बाई करवाया हूँ, जो भी प्राइस चल रहा है 1217 रुपया पे मैंने कॉल दिया हूँ, और उसको देखते हैं कि क्या ये हम लोग का जो ये 5 रुपये का जो हम लोग यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक ठीक है यहाँ पे, और एक एक और 5 रुपया नीचे का है, तो क्या ये दो स्टॉप लॉस जो मैं लेके चला हूँ क्या उसको ये हिट करेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहली मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग बाई इसलिए किए हैं, हम लोग बाई इसलिए किए हैं कि भैया इसके नीचे आएगा ही नहीं, और इसको अगर नीचे आना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, ऊपर जाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स इसी के लिए, और एक कैसे करते हैं, देखिए एक कैसे करते, इतना अच्छा से नीचे आ रहा है, इतना अच्छा से कैंडल ये बन रहा है, तो इसको कैसे ऊपर जाना है, कैसे नीचे जाना है, ये सब सारी जो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए हम जो भी बात करते हैं वो टेक्निकल रीजन पे बात करते हैं, ठीक है। मेरा जो भी वीडियो आता है या जो मैं ट्रेड करता हूँ और जो मैं जो भी ट्रेड करवाता हूँ उसमें मैं एक ही चीज देखता हूँ, बस टेक्निकल, ठीक है। अब हम लोग टेक्निकल पे यहाँ पे बात करते हैं और टेक्निकल सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपको यहाँ पे हो क्या रहा है कि मार्केट इतना अच्छा से नीचे आ रहा था तो एक प्राइस रिजेक्शन क्यों होने लग गया, ठीक है। तो मैं आज ये बहुत से लोगों को था कि यार लाइव मार्केट में दिखाइए, लाइव मार्केट में बनाइए वीडियो, और मैं लाइव मार्केट में मैं आपको ये जो कॉल दिया हूँ वो भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि मैंने कॉल दिया था। और देखिए अब चाहे प्रॉफिट दे चाहे लॉस दे, बात वो अलग होती है, बात यहाँ पे होती है कि जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया, जो मैंने रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, जो मैंने पब्लिकली लगाया कि आज इसको नहीं ब्रेक कर सकता है, उसको मार्केट कितना समय तक इम्पोर्टेंट दिया, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। आप वहीं पे बाई कर सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि भैया इसके नीचे इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता है, तभी आप यहाँ पे काम करते हैं। और आप देखिए कि मैं जो 2217 रुपये का जो मैं प्राइस दिया हूँ, बाई किया हूँ, अब वो मेरे को पता है कि ये हार्डली से हार्डली 5 रुपया नीचे आएगा, और अगर वहां पे भी मौका मिलेगा तो मैं बाई करने की कोशिश करूंगा, अन्यथा मैं देखूंगा कि भैया अगर ये मेरा सपोर्ट बिल्कुल अगर ब्रेक हो जाता है, अगर बाय द वे ब्रेक हो जाता है तो उसका भी रीजन होगा, तो वो मैं देखूंगा क्या ये सपोर्ट सही से ब्रेकआउट कर दिया तो मैं वहां पे बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है और ये मार्केट चल रहा है। फ्रेंड्स आप गौर से देखिएगा, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, और हमको तो नहीं लगता है कि ये ब्रेक करने वाला है, ये भैया इससे नीचे आएगा ही नहीं, मेरा जहां तक अंदाजा ये है कि इसके नीचे आएगा ही नहीं।
और जो मैं सपोर्ट ड्रॉ किया हूँ 2213 रुपये का लमसम का, तो वो उसके नीचे नहीं जा पाएगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। और ऐसा ये टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि भैया ये ज़्यादा नीचे जाने वाला है नहीं, और जो भी यहाँ पे बस समझ रहे हैं ना, जो भी आप यहाँ पे खरीदना है खरीद ले सकते हैं, और खरीदने के बाद ये जरूर एक बार ऊपर जरूर जाएगा। और चलिए देखते जाइए, वीडियो में देखते जाइए कैसे क्या होता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होगा। और इसका जिसे मैं बाय किया था और करवाया था, उसके जस्ट ही बाद ये लगभग 7 रुपये का लमसम प्रॉफिट दे रहा था। बट चलिए देखते हैं, क्योंकि हम लोग तो अपना अपना काम करते हैं, और हम लोग तो भैया चाहते हैं कि मार्केट कुछ समय हम लोग के अगेंस्ट नहीं जाए, और ये अगेंस्ट नहीं जा रहा है। अगर बहुत से लोगों को होगा कि सर तो आप तो 17 पे बाय दिए, 13 चला गया, 12 चला गया, भैया 12-13 नहीं गया है, अभी आप देखते जाइए कि क्या कर रहा है। मैं लाइव मार्केट में हूँ फ्रेंड्स, ये लाइव मार्केट चल रही है, आप देख पा रहे होंगे। नीचे नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, मैं बोल रहा हूँ, और वो उसको करना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब एक्सपीरियंस है, ये सब एक्सपीरियंस है, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस एक्सपीरियंस है। अब देखिए ऊपर चलने चल दिया, अब ऐसा क्या होता है कि अब मैं बोला मार्केट ऊपर, तो बहुत से लोगों की आप लाइव मार्केट में वीडियो बनाइए। फ्रेंड बिल्कुल मैं लाइव मार्केट में वीडियो बनाऊंगा, और ये मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिएगा कि जब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। लाइव मार्केट में जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, तो कभी तो मेरे को लाइव मार्केट में ट्रेड करना होता है, कभी मैं अपने स्टूडेंट को लाइव मार्केट में सिखा रहा होता हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत ही कम होता है। मगर आज मैंने चाहा कि भैया एक वीडियो बना देते हैं, तो मैंने बनाने की भरपूर कोशिश किया हूँ, और लाइव मार्केट में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने लगाया, जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया, वहाँ से इतना प्राइस रिजेक्शन हुआ, ऊपर जाने लगा, ठीक है। और अभी भी देखिए तो अभी जो हम बाई किए हैं उसके ऊपर है, और मैं अभी थोड़ा सा पहले मैं बोल रहा था कि बाई कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि भैया इसको एक बार ब्रेक करने के लिए इसको ऊपर जाना अनिवार्य है, ठीक है। इसको तोड़ नहीं सकता है डायरेक्ट, इसको ऊपर जाके ही तोड़ सकता है, और इसी में हम लोग ट्रेड करते हैं, इसी में हम लोग बाई करते हैं कि भैया चलो थोड़ा सा ऊपर चलेगा तो हम लोग अपना प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ी थोड़ी चीजों को आप एकत्रित करके, थोड़ी थोड़ी चीजों को आप एकत्रित जब करना सीख लेते हैं, जब आप एनालिसिस करते हैं, तो आप अभी नहीं लगता है मेरे को कि यहाँ पे आपका जो भी हम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग बाइक या सेल कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई भी, चाहे आप MACD यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बहुत से लोग MACD यूज करते हैं, MACD मैं लगाने की कोशिश किया। अब आप MACD देखिए जबरदस्त सेल में है, ठीक है, ये एकदम जबरदस्त सेल में है, और मैंने यहाँ पे बाई करवा दिया, तो क्या गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। तो मैं बता रहा हूं कि इसको सभी चीजों को कैसे यूज करना है, इंपॉर्टेंट ये होता है। तो फ्रेंड्स इसको आप देखिए, ये सारी चीजों को समझने की जब कोशिश करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। और जब आप इस तरीका से करेंगे, ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो आप सीख लेंगे धीरे धीरे, सारी चीजों पे आपको फोकस होते जाएगा, और आप सीख लेंगे थोड़ा थोड़ा, आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो आपको ये सब सारी चीजें बातें समझ में आएगी, और चलिए देखते हैं ना कि ये क्या करता है नहीं करता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैं बार बार ये बड़ा छोटा कर चार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि investing.com क्या होता है कि थोड़ा सा आपको देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ये स्लो होता है, अभी कैंडलस्टिक पैटर्न देखना जरूरी होता है, ये सारी चीजें जरूरी होता है। और बहुत से लोग फ्रेंड्स जो मैं कर रहा हूँ वैसे बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो भी करूँगा वो 100% सही होगा, लेकिन अगर ये लॉस होगा तो बाय दबे होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाय दबे कभी ये नीचे डायरेक्ट चला जाए तो चला जाए, नहीं तो इसको ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। अब इसको आप लोग देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए ये क्या होने वाला है। वो मेरे को लगता है कि आप सेकेंड हाफ के बाद बूम करेगा, बूम करेगा, ऐसा मेरा मानना है कि ये बूम करेगा। और हम लोग को जो प्राइस है वो कम से कम 30 तक जाना चाहिए, इसको मिनिमम 30 तक तो चला जाना चाहिए, ऐसा मेरा लगता है कि 30 तक जाने में इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, और अभी लाइव मार्केट चल रहा है, चलो देखते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए जब भी
वीडियो में थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो चलेगा। तो आप उसको नहीं कीजिएगा कि आप यहाँ पे ऐसा हो रहा था तो आपने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों किया। तो देखिए, अब बात है ना, जिनको सीखना है ना वो पॉजिटिविटी को धरेंगे, जिनको कुछ नहीं करना है वो निगेटिविटी को धरेंगे। तो वो आप किसको कैच कर रहे हैं डिपेंड आप पे करता है, मेरे पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हम पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हम ट्रेड करते आ रहे, इतना सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को पता होता है कि भैया एक क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मेरे को पता होता है। ठीक है, तो इतना सालों से ट्रेड करते करते अनुभव हो जाता है, और इसी बिहाफ पे जो है मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और ये सब जो वीडियो मैं बनाता हूँ सब एजुकेशनल पर्पस से होता है। तो आप ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा ही क्यों किया गया, ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ों को जब आप समझने लगेंगे, सीखने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा। विदाउट नॉलेज फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहे इंट्राडे कर लो चाहे स्विंग कर लो, ऑप्शन तो खैर बहुत दूर की बात है। बिना टेक्निकल एनालिसिस का अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं या फ्यूचर में काम कर रहे हैं, ये छोड़िए कैश छोटी छोटी काम कर रहे, आप लॉस में ही जाएंगे। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस सच में एनालिसिस आता है, ठीक है, तो आप चाहे जो भी ट्रेड करें, जो भी ट्रेड करें वो आपके लिए बेहतर होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। बिना आप टेक्निकल एनालिसिस सीखे, बिना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज का, आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी पे फोकस होता है फ्रेंड्स कि आप ये सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, आप ये सारी चीज़ों को किस तरीका से समझ रहे हैं, कि आप एनालिसिस करते हैं, क्या आप सच में एनालिसिस करते हैं, या सिर्फ आप इंडिकेटर को देखते हैं, या सिर्फ आप बाकी चीज़ों को जो नहीं एक टेक्निकल एनालिस्ट को शोभा देता कि आप वो कर रहे हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप सारी चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीका से देखता हूँ, और मेरे को पता होता है कि भैया यहाँ पे मैं बाई कर सकता हूँ, इतना प्रॉफिट बन सकता है, बाई कर लेते हैं, 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, पता होता है। तो आपको ये सारी की सारी बातें आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और आप ये सीखना 1 से 2 दिन 4 दिन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस है, एनालिसिस आप 1 से 2 दिन 4 दिन में नहीं सीख सकते हैं। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये प्योरली लाइव मार्केट में हो रहा है, इतना अच्छा से नीचे आ रहा था, क्यों नहीं ब्रेक करके नीचे चला गया भैया, बात समझिए ना। इतना अच्छा से तो नीचे गिर रहा था, इतना अच्छा से नीचे गिर रहा था, यहाँ के ब्रेक क्यों लग गया, क्यों ब्रेक लग गया, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि इसको ब्रेक लगना पड़ गया, बात समझिए ना, ऐसा क्या हो गया कि इसको यहाँ पे ब्रेक लग गया। इसको ब्रेक करें, देखते हैं क्या तो ब्रेक कर लेगा। करने में इसको फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए कि अगर आप इस तरीका से ट्रेडिंग करेंगे, आप अगर इस तरीका से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है। आप ध्यान से देखिए कि आपके अगेंस्ट में जाने में मार्केट को, आपके अगेंस्ट में मार्केट को जाने में कितना मेहनत करनी पड़ रही है। चला जाए ना, कौन रोका है, चला जाए, चला जाना चाहिए, चला जाए ना। देख रहे हैं इतना अच्छा शो कैंडल बन रहा था, कुछ नहीं कर पाया, फिर एक कैंडल बन रहा है तो नीचे चला जाए ना, कौन रोका हुआ है इसको, कौन रोका है, रोका हुआ है इसको, नीचे चला जाए, कौन रोके हुए है इसको। तो जब तक आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि भैया हमको किस लेवल पे बाय करना है, जिस लेवल से मार्केट को नीचे जाने में बहुत दिक्कत होगी, और उस लेवल के करीब में हम बाय कर लेते हैं, चुपके से प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं, बस यही तो ट्रेडिंग एक ट्रेडर का एक सबसे सीक्रेट फॉर्मूला होता है। एक लेवल देखो, बाई करो, प्रॉफिट बनाओ, आउट हो, बस इतना ही होता है। हाँ, मगर एक लेवल होना चाहिए जिस लेवल से अगर आपके मार्केट अगेंस्ट जाए तो जाने में टाइम लगे,
यूं ही ब्रेक करके नीचे चला जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो आप प्रॉफिट ही नहीं बना पाओगे। बस मेरे, आप प्रॉफिट ही नहीं बना पाएंगे, मैं बता रहा हूं, आप प्रॉफिट ही नहीं बना पाएंगे। तो आपको एक लेवल ढूंढना है जिस लेवल से मार्केट को नीचे जाने में बहुत ज्यादा मुशक्कत करना पड़े, और वैसे हम लोग ट्रेड करते हैं और तब जाके हम लोग को प्रॉफिट बनता है। चलिए देखते हैं ना, देखते हैं, ब्रेक कर दे, हम तो बैठे हुए हैं भैया स्टॉप लॉस सेट कराने के लिए। कर लो ना, मैं जानूंगा ऑपरेटर ऑपरेट करता है, देखते हैं कौन ऑपरेटर मेरा स्टॉप लॉस देख रहा है। चलो करो, चलो आज कर लो भैया, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर लो, थोड़ा हम भी देखते हैं कौन ऑपरेटर ऑपरेटर मेरा स्टॉप लॉस देख रहा है, थोड़ा देखते हैं ना, देखते हैं। तो ये सब बातें कहने कहाने की होती है कि ऐसा होता है वैसा होता है, मैं मानता हूं कभी 2-4% कभी सिचुएशन ऐसा बनता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसको हम लोग एक निगेटिविटी में क्यों ले लेते हैं। बात समझिएगा, हम लोग निगेटिविटी में ज़्यादा बात करने लगते हैं, ऐसा कि भैया ऐसा करोगे ये हो जाएगा, ऐसा होता है, बिगनर को ऐसा करते हैं, छोटे रिटेल को ऐसा करते हैं। अरे भैया, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस आप जितना अच्छा से करोगे, टेक्निकल एनालिसिस जितना अच्छा से करोगे आप, उतना अच्छा प्रॉफिट करोगे। ठीक है, आपको एनालिसिस आता है कि नहीं, टेक्निकल एनालिसिस पे आपको फोकस करना है। मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे मैंने इस लेवल को फाइंड आउट किया हूं। मैं टेक्निकल एनालिसिस के मार्फत पे मैंने इसको चूज किया ना, हमको यहां पे बाई करना है। अरे पहले से पता था कि इसको ब्रेक नहीं करेगा, तभी तो मैं उसके ऊपर बाई कर लिया। बात को समझने की कोशिश करनी है, बातों को समझिए। आप बात को समझेंगे, आपके लिए, आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। सिर्फ आप कहने पे, बोलने पे अगर काम करेंगे, भैया आपके लिए मार्केट नहीं है। आपको एक एक पॉइंट के बारे में, एक एक कैंडल के बारे में, एक एक बारीकियां को पता होना चाहिए कि भैया क्या क्या मार्केट में बारीकियां हैं और हमको किस बिहाफ पे क्या करना है। इसको तो ऊपर चल जाना चाहिए था, नीचे चल जाना चाहिए था, ऊपर चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। अरे भैया, इसको ब्रेक करेगा नीचे चल जाएगा, इसको ब्रेक करेगा ऊपर चल जाएगा, क्या मतलब बन रहा है, क्या मतलब, क्या मतलब क्या बन रहा है। ठीक है, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट करेगा ऊपर चल जाएगा, चला जाना चाहिए था। इसने तो ध्यान से देखिएगा, इस स्टॉक ने तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट किया है, तो बहुत से लोग तो यहां पे बाई करेंगे कि प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट हो गया, चल लो बाई कर लो, कर लो बाई, क्या हुआ। बात समझ रहे, तो ये सब भ्रांतियां जो सिर्फ है ना, हाँ बाई करते हैं, बिल्कुल बाई करते हैं, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे ही काम करता है, वर्क करता है। मगर कब करेगा, कब नहीं करेगा, क्या लॉजिक है कि वो नहीं करेगा, क्या लॉजिक है कि वो करेगा। तो ये सारी चीजों को समझना फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं एनालिसिस। मैं तो बोलता हूं कि मैं स्टॉप लॉस हिट कर दो, ऑपरेटर ऑपरेट करता है, कर दो ना मेरा, करो नीचे चलो, मेरे जानता हूं, मैंने जान के ही तो ट्रेड लिया हूं। तो आप सिर्फ आंख मूंद के किसी के कहने पे, किसी के
बोलने पे आप अगर अपना काम करेंगे तो आप उसका लॉस का जिम्मेदार खुद होंगे। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, मैं इसलिए नहीं फ्रेंड्स कि मेरा कुछ ऐसा हो या ये, मैं सिर्फ एक नॉलेज शेयर करना चाहता हूं, लोगों को सही तरीका से बताना चाहता हूं। और ये सब एजुकेशनल पर्पज से होता है, ये नहीं कि भैया सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, कि आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा। बात समझ रहे? तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो गया इस लेवल पे कि इससे नीचे जा नहीं पा रहा है? अभी आपके सामने ये सारी चीजें हो रही है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि उस लेवल से नीचे जाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है? कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना जो उसको नीचे जाने नहीं दे रहा है। तो यही सारी चीजें हम अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को बताते हैं। और ये नहीं कि भैया मैं सिर्फ TCS पे बताऊंगा, मैं सिर्फ निफ्टी पे बताऊंगा। आपको चाहे जो भी मार्केट में काम करना है, एक टेक्निकल एनालिस्ट ही ऐसा एक एनालिसिस है जो आप दुनिया का कोई भी मार्केट में जाके काम कर सकते हैं। अगर इसके विपरीत मैं फंडामेंटल की बात करूं, तो फंडामेंटल एनालिस्ट हर जगह जाके इतना कंफर्टेबल काम नहीं कर सकता जितना टेक्निकल एनालिस्ट कर सकता है, क्योंकि भैया फंडामेंटल एनालिसिस का हर कुछ देखना पड़ता है। जैसे भैया कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस इकोनॉमिक्स में वो काम कर रहा है, बात समझ रहे? क्योंकि हर देश का अपना अपना अर्थव्यवस्था है, उसका अपना अपना अर्थव्यवस्था का सिस्टम बना हुआ है, अपना अपना टैक्सेशन का सिस्टम बना हुआ है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस कहीं पे भी जाके जो है वर्क कर सकता है बहुत ही कंफर्टेबल वे में। और फ्रेंड्स मैं बार बार बोलता हूं ना कि आप लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए, उसका क्या तथ्य है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्यों होगा, क्यों होगा? क्यों होगा ऐसा, मेरे को बताइए ना, क्यों होगा ऐसा? तो ये सारी की सारी बातों पे अगर आप फोकस करना सीख लिए तो फ्रेंड्स आप बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनेंगे। और आप जब टेक्निकल एनालिस्ट बनेंगे तब आप एक अच्छा ट्रेडर बनेंगे। बात को समझ रहे हैं? जब आप टेक्निकल एनालिस्ट बनेंगे तब आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। विदाउट टेक्निकल एनालिस्ट आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सबसे पहला एनालिसिस मिलाना होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। आप जब एनालिसिस करने सीख गए तो ट्रेडर ऑटोमेटिक बन जाएंगे आप। और ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि भैया मार्केट को मैं कह रहा हूं कि नीचे चलो या ऊपर चलो, ऐसा हो ऐसा हो। मैं तो भैया कहा हूं कि भैया इसके लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा, इतना जल्दी नीचे कैसे चला जाएगा। मैं तो यही बोल रहा हूं, चला जाए, कौन रोका हुआ है, चलो देखते हैं ना, देखते हैं जरा, हम भी देख लेते हैं ब्रेक कर लेता है कि क्या। भैया बहुत मुश्किल है, तुमसे ना हो पाएगा। आप देखिए इसको से नहीं हो पाएगा, हम लोग बोलते थे ना कि तुमसे ना हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, इससे ना हो पाएगा। बात को समझिए जरा, फोकस करके समझिए कि कोई मार्केट में, मार्केट चल रहा है,
को लेके खड़ा है, पोजीशन बना के खड़ा है, और इस तरीके से करके भेजा के स्टॉप लॉस हिट कर दो, कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ एक एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, लाइन नहीं है ये, लक्ष्मण रेखा है, एक ये लक्ष्मण रेखा है। थोड़ा हम भी तो देख ले, हम भी तो थोड़ा देख लेना कि क्या कर सकता है, थोड़ा हम भी देख लेते हैं, बात समझ रहे हैं, हम भी देख लेते हैं ना थोड़ा कि भैया कैसे स्टॉप लॉस सेट करता है, थोड़ा हम भी देख लेते हैं ना, देख लेते हैं अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इसी तरीका से कभी फॉरेक्स में मैं ट्रेड करवाने लगता हूँ, मतलब बताने लगता हूँ कि देखो भैया इससे नीचे नहीं जाएगा, वाच करो। मैं अपना स्टूडेंट लोग के साथ ऐसा करता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया इसके नीचे नहीं जाएगा, तुम देखो इसके ऊपर नहीं जाएगा, देखो लाइव मार्केट चल रहा है, वाच करो क्यों नहीं जाएगा, उसका रीजन बताते हैं, बहुत से रीजन होते हैं, एक सिंगल रीजन थोड़ी है ऊपर या नीचे नहीं जाने का। तो बात यहाँ पे आके ठहरती है कि आप वो सारी चीजों को कितना समझते हैं, आप वो सारी चीजों को कितना समझते हैं, इम्पोर्टेंट ये बनता है, ठीक है? तो इस पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है, और ये सारी चीजों पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आप जाके एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है? एक अच्छा ट्रेडर बनना है भैया तो आपको ये तो करना पड़ेगा, ठीक है? एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो ये आपको करना होगा, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कह दिए ऐसा हो जाएगा वैसा, ये सब नहीं होता है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा क्या, क्या रीजन था, क्या रीजन था, क्या रीजन है मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, क्या रीजन है? क्या रीजन है? इसको ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है भैया, इसको ब्रेक करके नीचे क्यों नहीं जा रहा है? जहां पर मैं लिया उससे ऊपर ही प्राइस क्यों चल रहा है? आपके सामने चला जाए ना। तो आप बात को समझिए कि अगर आप इस तरीका से ट्रेड करेंगे कि आपके अगेंस्ट में मार्केट को जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो आप एक चीज का तो एक डेफिनेटली बोल सकते हैं कि भैया लॉस नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता। आप इस चीज को एकदम कंफर्मेशन के साथ कहते हैं, क्योंकि आपके अगेंस्ट में मार्केट को जाने में बहुत पावर लगाना पड़ेगा, स्टॉक को जाने में बहुत पावर लगाना पड़ेगा, मैं बोल रहा था ना कि तुमसे ना हो पाएगा। चलो अब ऐसे में क्या होता है, ध्यान दीजिए, अगर ऐसे में बहुत कम समय है आपके पास या ऐसा कुछ है, तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, कुछ प्रॉफिट में ही निकल पाएंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं तो कुछ प्रॉफिट में ही निकल पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ प्रॉफिट में ही निकल पाएंगे। क्योंकि आपके जो लेवल पे लिया हुआ है, जो सौदा आपने जिस लेवल पे लिया, उसको नीचे ले से जाने में तो इसको बहुत ही कठिनाई करना पड़ेगा। और होता क्या है, लोग करते क्या है कि वहां पे सौदा ले लेते हैं जहां से मार्केट को रिवर्स करने में टाइम ही नहीं लगेगा, मार्केट को रिवर्स करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सब छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग का ध्यान से देखिए कि जो हम लोग का लिया हुआ प्राइस है उससे एक कभी भी नीचे जाके जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लिया हुआ प्राइस है 2217, इसको मैं थोड़ा ब्लू कर देता हूँ, और स्टॉप लॉस हम लोग इससे नीचे का है,
जहाँ पे रेड लाइन है, लक्ष्मण रेखा जिसको मैं बोल रहा हूँ, आप अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए सिर्फ चीज़ों को, कि हमने आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, हमने बाई यहाँ पे किया था इस कैंडल पे, और एक कैंडल भी आपको गया अच्छा खासा ऊपर गया, राइट, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको नीचे जाना है तो भैया ऊपर तो जाना पड़ेगा। अगर इसको नीचे जाना है तो ऊपर तो जाना पड़ेगा मेरे भैया, ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा इसको, देखते हैं, चलो आ भैया आ, कुछ तो प्रॉफिट दे दिया, कुछ स्टॉप लॉस सेट कर दो थोड़ा, देखते हैं, देखते हैं थोड़ा कितना पावर है भैया तुम में, तुमसे ना हो पाएगा, चलो देखते हैं तुमसे हो पाएगा, सिर्फ कैंडल बनाने से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तुमसे, तुमसे ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दो बजने दो, दो बजने दो, पता चलेगा तुमको, देखते हैं इससे नहीं हो पाएगा भैया लोग, आप लोग देखिए इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, एकदम मैं बोल रहा हूँ इससे नहीं हो पाएगा, अब देखिए ध्यान से देखिए, इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, बेचारा फंसा हुआ है, चलिए देखते हैं, इसको ऐसा लक्ष्मण रेखा लगा दिए हैं आज कि इससे नीचे जा नहीं पा रहा है, क्या हो गया भाई तुमको, क्या हो गया तुमको, चलो नीचे चलो, चलो 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 चलो, नहीं जा पाएगा, ब्रेक है, पावर ब्रेक है वहां पे इसके लिए, इसको बोलते हैं ना पावर ब्रेक, से पावर ब्रेक इसको यहाँ पे लग चुका है, और आप देखिए हम लोग के लिए हुए 1 2 3 4 फिफ्थ कैंडल बन रहा है, फिफ्थ कैंडल बन रहा है, चला जा नीचे, कौन रोका हुआ इसको, कौन रोक के रखा है इसको, ऑपरेटर लोग ऑपरेट करता है, ऑपरेट करो, स्टॉप लॉस सेट कराओ, मानेंगे हम, चाहे तुम रेंज बाउंड हो जाओ, चाहे जो भी हो जाओ, अभी तुमको नीचे नहीं जाना है भैया मेरे, कुछ भी हो जाए। तो इस तरीका से फ्रेंड्स अगर आप काम करेंगे तो आप प्रॉफिट करेंगे, मेरा ऐसा मानना है, और मैं और इसी तरीका से लाइव मार्केट में वीडियो बनाऊंगा, जो यूं भागता है ना उसको पहले से प्रेडिक्ट करेंगे, और उसका भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, मैं तो सिर्फ ये दिखाने के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ कि जो हम लोग प्रेडिक्शन करते भी, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, लोग इतना ही जानते हैं सपोर्ट है, अरे भैया सपोर्ट काम करेगा कि नहीं करेगा उसको कौन बताएगा, उस पर कौन बात करेगा, मैं उस पर बात करता हूँ, सपोर्ट है मतलब सपोर्ट है नहीं, ये काम करेगा कि नहीं करेगा इसका भी पहले से पता है, चला जाए ना ब्रेक करके, चला जाए ब्रेक करके, मैं कौन कौन इसको रोका है, कौन रोका है इसको ब्रेक करके जाने में, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर आप या कुछ भी कर रहे हैं, मार्केट है, थोड़ा सा सतर्कता के साथ कीजिए, अपने से जो थोड़ा बहुत आप समझते हैं इनको उससे राय लीजिए, विचार कीजिए उस पे, राय पे, आपको राय पे विचार करना पड़ेगा, जब विचार में लाएंगे तब आप अच्छा करेंगे। अरे सर ये तो ऐसा है कि सपोर्ट लग रहा है, अब लोगों को लगेगा कि सपोर्ट लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, जो जनरली तौर पे जो बिगनर होते हैं या जिनको उतना टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता होगा उनको
अब जो तीन कैंडल बना होगा वहां पे लग रहा हो कि अब इसको सपोर्ट लग रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहां बोल रहा हूं कि अब लोगों को लगेगा कि अब ये सपोर्ट लग रहा है। बात समझिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब ये सपोर्ट लग रहा है, ऐसा लोग मानेंगे, ऐसी चीजों को समझेंगे। और हम लोग की जो जब पहले बार उस प्राइस को टच किया वहां पे हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि ये सपोर्ट लगने वाला है। अभी अभी तो अभी बन रहा है ना ये सब कैंडल, जो कैंडल बन रहा है वो सब तो अभी बन रहा है ना। बात समझिए, ये तो अभी बन रहा है ना ये सब कैंडल। तो ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या चीज है, ऐसी कैसे है, टेक्निकल एनालिसिस इतना कुछ बताता है भैया कि आपको बहुत पहले से पता होगा कि भैया ये ब्रेक नहीं होने वाला है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होने वाला है और भैया ब्रेक करो थोड़ा तेज, चलो टू टू टू, चलो चलो, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर चलने की बात है, उसके बाद इसमें पेट्रोल का पेट्रोल पंप मिल जाएगा। ठीक है, पेट्रोल पंप मिल जाएगा फिर चलेगा। थोड़ा सा आगे दूर पे पेट्रोल पंप है इसके लिए, उस पेट्रोल पंप पे जाते ही इसको एक एनर्जी आएगा। ठीक है, और सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप चीज़ों को पिक करने की कोशिश कीजिए, आप सारी बातों को जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब आपको एक जो मिलेगा, जो आपके अंदर से जो एक आवाज़ आएगा, जो कॉन्फिडेंस आ गया ना, कॉन्फिडेंस जो भैया कहीं पे भी आप खरीद नहीं सकते हो उसको। क्या है, क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है। चलो चलो, हो गया, क्या हो गया इसमें, क्या बोले अब, क्या हो गया कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसके लिए पेट्रोल पंप है, क्या है इसके लिए, देखिए। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करा देते हैं लोगों को, अच्छा मजा आएगा। देखिए, इसी को बोलते हैं कि एनालिसिस, इसी को बोलते हैं एनालिसिस। और आप अगर ऐसे करेंगे तो तभी आपको जाके अच्छा मजा आएगा। ठीक है, तभी आपको मजा आएगा। अब आप लोग को मजा आ रहा होगा, अब आप लोग को मजा आ रहा होगा कि भैया ये ऐसा हुआ कैसे, ये ऐसा हुआ कैसे कि थोड़ा सा आगे जाएगा, पेट्रोल पंप मिलेगा, फिर क्या हो गया भैया। और आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाइएगा, मैं बोल रहा था कि सेकेंड हाफ होने दीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जो आपको जाके सभी को प्रॉफिट दे दिया। और इसी तरीका से फ्रेंड्स ये होता है, इसी तरीका से ये सारी चीज़ें चलती है। और ये एनालिसिस है, ठीक है, ये एनालिसिस है। और अब देखिए, प्रॉफिट दे दिया, टारगेट दे दिया, मैं 30 की बात किया था कि ये 30 तक जाएगा, और ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 30 तक पहुंच ही गया बेचारा। अब देखिए, 229.80 पे जाके ये, तो ऐसा क्या है ये। वहां पे मैं जो 30 बोला था, 2230 की जो मैं बात किया था बहुत पहले, तो आपको ना ये चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं उसी प्राइस को बोला तो क्यों बोला, मैं और दूसरे को कुछ क्यों नहीं बोला। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का रहा फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो, मगर इंफॉर्मेटिव वीडियो। गया, टारगेट को हिट किया, सपोर्ट लगाया, सब कुछ हुआ, और अब कुछ भी कर ले, हम लोग का तो काम बन गया, हम लोग का तो काम बन गया। ठीक है, हम लोग का तो काम बन गया। तो
ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, और जब तक नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि जो मैं मेहनत किया, जो मेहनत करता हूँ, वो आपको पसंद आता होगा आप लोगों को। तो सिर्फ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि लाइव मार्केट में भी इस तरीका से काम किया जाता है, लाइव मार्केट में भी इस तरीका से होता है। और मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ्रेंड्स मैं इसी पे बात करता हूँ, यही सारी चीज़ें पे। एक तो एक सिंपल सी बात है, ये तो छोटी सी बात है, ये हम लोग को स्टूडेंट में ये सब छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को साथ शेयर किया। काम कैसे करना है, मैंने यहाँ पे बाय क्यों किया था, बस समझ रहे हैं? मैं यहाँ पे बाय क्यों किया था, मैंने 2230 जाने को ही क्यों बोला था, ठीक है? तो हर एक के पीछे एक रीजन है, और विदाउट रीजन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। मैं क्या बोला कि इसको अगर ब्रेक करना है ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। और ऐसा क्या आ गया इसमें कि जो ऊपर चला गया? ऐसा क्या आ गया? तो फ्रेंड्स ये सारी जो वीडियो मैं बनाता हूं पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पस से होता है, और आप इसको सीखिए, समझिए, और बातों को सिर्फ फोकस कीजिए, अपने आप को एक जगह पे ले जाके समझने की कोशिश कीजिए कि भैया इस तरीका से क्यों हुआ, इस तरीका से ही क्या रीजन था। अब हम लोग का ये टारगेट हिट कर चुका है, ठीक है, टारगेट ये हिट कर चुका है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कैंडल में टारगेट हिट कर दे, दो कैंडल में कर दे, भैया उससे हम लोग को कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीका से हम लोग का ये टारगेट अचीव हुआ, और चलिए आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। और जो भी होगा, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं ऊपर नंबर दिख रहा होगा उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोनों का नंबर अलग अलग है। डिटेल में सीखने के लिए, सारी चीज़ों को जानने के लिए, तब आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर कीजिएगा, और हमारा फेसबुक पेज को अगर लाइक नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ से जाके मेरा फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, और बाकी तो प्रॉफिट बनता रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट तो बनना ही है, अच्छा सा काम नहीं करेंगे तो किसको प्रॉफिट बनेगा? हमको नहीं बनेगा, आपको नहीं बनेगा तो किसको बनेगा? यहाँ बाइक कर लो, यहाँ शॉर्ट सेल कर दो, मतलब क्या है? उससे मतलब ही नहीं है, उससे काम करने से कोई मतलब ही नहीं है भैया। रीजन ढूंढो, रीजन बिहाइंड द ट्रेड, लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, और लॉजिक भैया बात से नहीं होना चाहिए, टेक्निकल एनालिस्टिक एनालिसिस बेस्ट होना चाहिए। टेक्निकल उस लॉजिक को मानता हो उस पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह इसको वायरल कीजिए कि लाइव मार्केट में ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं फ्रेंड्स एक एक पॉइंट, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मैं वीडियो में ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सभी कुछ आप लोग के सामने हुआ। ठीक है, इससे न हो पाया कि जो जाके इसको ब्रेक कर दे, इससे न हो पाया, मैं पहले बोल रहा था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दिए होंगे तो लाइक कर ही दीजिए, और सोशल मीडिया प्रोफाइल पे इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और लोगों को बताने की कोशिश कीजिए कि भैया ऐसा होता है और हम लोग करते हैं और प्रॉफिट बनता है, और जाके टारगेट हिट भी करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।